युवाओं में पॉपुलर है। आप हरियाणा सरकार में सब इंस्पेक्टर के पद पर भी काम कर रहे हैं। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर आपने प्राप्त किया है देश के लिए। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आपने प्राप्त किया है देश के लिए। 2016 रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है आपने। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया में आपने सिल्वर पदक प्राप्त किया है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए सब इंस्पेक्टर इंचार्ज पुलिस तथा हरियाणा सरकार में स्पोर्ट्स विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जैसे दायित्व को आपने त्याग किया है। वर्तमान में आप हरियाणा वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन है। आपका इस अधिवेशन में अभिनंदन है, वंदन है। आप इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि है। चाहिए कि एबीवीपी नारा लगा रहा है ना, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और बहनों अपने लिए भी एक नारा लगा लीजिए हैं, फूल नहीं चिंगारी है। भाई बहनों का थोड़ा सहयोग कर दो, शायद खाना में मुझे लगता है आज खिचड़ी वगैरह खा के आई लग रही है, कुछ पेट भर के नहीं खा के आई है। महाराज आप सबसे ज्यादा बोले फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, तूफान है अपना नहीं तूफान है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज के उद्घाटन स्तर पे हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे आए डॉक्टर टीएन सिंह जी, साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर मराठे जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एबीवीपी के श्री ज्ञान वर्धन शुक्ला जी, ज्ञान याग वर्धन शुक्ला जी एंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ममता कुमारी दीदी, प्रदेश मंत्री अभिषेक यादव जी, डॉक्टर जगजीत सिंह जी, पूनम दीदी और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी यहाँ पे बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और छपरा की धरती को भी नमन करते हुए मेरे सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम नमस्कार। देखिए भगवान श्री राम का नाम लेते ही आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी दिखाई देती है उसे पता चलता है कि भगवान राम के जीवन से हमें क्या मिलता है। और मैं तो कहूंगी कि भगवान राम को जिस किसी ने पढ़ा है और जिसने जीवन में उतार लिया उनका जीवन तो धन्य हो गया। और हमें मैं तो कहूंगी कि सिर्फ भगवान राम को पढ़ना नहीं है बल्कि उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए उनकी त्याग तपस्या हर एक चीज के बारे में जितना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन के अंदर उतारेंगे वो हर एक चीज आपका महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को उतना ही संपूर्ण समृद्ध और सशक्त बनाएगा।